गाइस कैसे हैं आप सब लोग यार, अच्छे और अच्छे ही रहना। क्योंकि यार आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट अकेडमी से आ रहा हूँ। और अकेडमी से इसलिए आया जल्दी क्योंकि एक बहुत इच्छा हो गई थी कि यार आप लोगों के लिए मैं ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि वो इतनी खुशी की बात है जो आज है मेरे पास। लेकिन मैं उसे शेयर करूँगा आप में आगे आने वाली वीडियो पे। लेकिन मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट करूँगा, जिसने अगर मुझे फॉलो नहीं करा वो कर सकता है अगर उसका मन करे तो। तो चलो आप डिसाइड, मतलब बात करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है ऑफ स्पिन कैसे डालनी है। मैं भी चाहता था पहले ऑफ स्पिनर बनना, बट जो मेरे कोच थे उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम पेसर बनो, क्योंकि यार तुम अच्छी खासी पेस डाल रहे हो, स्विंग हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे पेसर बोला कि तुम पेस करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पेसिंग पेस कर लेंगे। लेकिन चाहता था मैं ऑफ स्पिनर बनना, बट उसी बारे में। लेकिन आज डिसाइड करेंगे कि यार हम लोग ग्रिप कैसे बॉल पकड़नी है, किस एंगल से हमें आगे ड्रॉप करना चाहिए, कितनी टाइट से बॉल पकड़नी चाहिए, कितना ढीला बॉल पकड़ना चाहिए उस टाइम, क्योंकि अभी तक बहुत लोगों ने बताया नहीं है। तो मैंने कहा आज इसी टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी, बिना कोई टाइम वेस्ट करें। तो चलो गाइस पहले बात कर लेते हैं ग्रिप कैसे पकड़नी चाहिए। देखो टू टाइप्स ऑफ ग्रिप्स होती हैं इसमें जब ऑफ स्पिनर करना चाहता है। देखिए एक सिम ऐसे रखिए, पहले इस सिम को ऐसे रखिए, बॉल कैसे पकड़िए, ऐसे क्रॉस पकड़िए। देखिए मेरा सारे जितना भी गैप है बिल्कुल सेम ऐसे ही पकड़ना है। इससे पता क्या होगा, बॉल होगी ड्रिप, बॉल पड़ के तेज़ जाएगी विकेट के अंदर, थोड़ा सा टर्न होगी बट बहुत तेज़ जाएगी, स्पीड आएगी इसमें। और जब आप ऐसे बॉल पकड़ के सिम पे पकड़ के इसको वैसे ही पकड़ेंगे, ठीक है। ये देखिए इसे थोड़ा सा क्रॉस करिए, इन दोनों को नीचे रखेंगे ज्वाइन करके, और बाकी इन दोनों के बीच में सिर्फ दो उंगली का गैप होना चाहिए। प्रोसेस ऐसा है प्रोसेस का। इससे क्या होगा पता है, इससे होगी स्पिन ज़्यादा जब भी आप बॉल ड्रॉप, और एक करके जब बॉल ड्रॉप कर रहे हो ना, सर है अपना, सर के आगे से लेके आओ, सर के आगे से जितना आप इसको एंगल दोगे ना, एंगल इस साइड का एंगल दोगे, जैसे आप राइट हैंडर से बॉल डालो, इस साइड से एंगल दोगे तो बॉल आगे जाके ड्रिप करेगी, आगे ऑफ स्टंप पे अंदर जाएगी। तो गाइस हमेशा ये भी ध्यान रखना, जब आप बॉल डाल रहे हो ना, तो जब आपका जो एक्शन है ना वो ज़्यादा राउंड ना हो, राउंड होगा ना तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो ऑफ स्पिन जाए, ठीक है। तो हमेशा कभी बॉल को राउंड मत फेंकना, ठीक है, हमेशा अपने सर के ऊपर से लाना। और दूसरी बात ये है कि हमेशा जब भी आप बॉलिंग डालने से पहले, या बॉलिंग डाल लो या फिर प्रैक्टिस करने टाइम, हमेशा ना अपने आप को ना बहुत ज़्यादा रोल करा करिए, मतलब रोल करिए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रोल करिए, क्योंकि ज़्यादा रोल करना ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बट ये है कि हमेशा दो मिनट का रोल स्टार्टिंग में, हैंड को रिस्को घुमाइए, अपने रिस्को घुमाइए। इससे क्या होगा ना, जब आप बॉल डाल रहे होगे ना तो ये बहुत जल्दी अच्छे से घूमेगा, जब आपको ये आदत पड़ जाएगी इसको, तो आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टार्टिंग में करने की जरूरत पड़ती है इसको, इसे रोल करिए। तो गाइस यार आज मैं ना अपने स्टंप्स नहीं लेके आया, क्योंकि मैं क्रिकेट किट नहीं लेके आया, क्योंकि मैं डायरेक्ट अकेडमी से आ गया, और अकेडमी में मेरी हमेशा एक किट रहती है, मैं कभी ज़्यादा लेके नहीं जाता वहाँ पर। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जुगाड़ अपना मिल जाए ना, कि यार विकेट खड़ी करके मैं खुद बॉल डालूं, क्योंकि तो बहुत दिन हो गए मैंने भी डाला, तो थोड़ा सा ना मेरा भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। बट देखते हैं हमारी कोई जुगाड़, इंडियन जुगाड़, कोई ईट वगैरह कुछ मिल जाए, तो करते हैं प्रैक्टिस उससे। चलो तो गाइस मजा आ गया यार सच में, ऑफ स्पिनर डाल के एकदम दिल खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों, पहले भी खुश हो जाता था, अब भी खुश हो जाता है। सोच रहा हूँ ना छोड़ के, पेसर छोड़ के ऑफ स्पिनर ही बन जाऊँ, बट क्या करूँ यार, अब आदत उसकी पड़ चुकी है। बट सीरियसली यार मैं बॉल डाल रहा था, कितनी सही कट रही थी, कितनी अच्छे से ड्रिप्स हो रही थी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। बट शायद आप लोगों को दिख ना रहा हूँ, क्योंकि यार एंगल चेंज था और मैं कैमरा लेके नहीं आया हूँ, फ़ोन से शूट हो रहा है। बस ज़्यादा वीडियो में फ़ोन से शूट करता हूँ, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से दिखा देंगे, वैसे अच्छा ही होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और हाँ कमेंट कर रहो, करा करो यार, और लाइक करा करो, कमेंट से पता चल जाता है मुझे कि यार कौन सी वीडियो बनानी है, आप मुझे बताते हो टॉपिक तो मैं उसको बनाता हूँ वीडियो। लाइक करते हो तो मुझे आपका प्यार नज़र आता है, और शेयर करोगे तो यार और ज़्यादा प्यार नज़र आएगा। बाकी करते रहना, और हाँ यार बॉल डालते, मतलब भी बॉल डाल रहे हो तो स्पिनरों को ना जिगरा वाला होना चाहिए, कि यार बॉल डाल रहे हो, फ्लैट डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो तो बिना डरे डालो। क्योंकि एग्जाम्पल देखो कुलदीप यादव, कितनी सही बॉल, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा घातक बॉलर है, बट जब भी देखो एक या दो सिक्स पड़ भी जाते हैं लेकिन विकेट जरूर आती है। तो एक हमारे वो मोटिवेशनल है, मतलब कितना उन्हें देख के मोटिवेट होते हैं कि यार उन्हें देख के डरो मत, बैट्समैन को देख के डालो फ्लैट, डालो लूज़ बॉल डालो, मतलब लूज़ मतलब से मतलब हल्की बॉल डालो, लूज़ मतलब वो नहीं कि बेकार, हल्की बॉल डालो, तेज करने की कोशिश मत करो। जितनी आप हल्की बॉल रखोगे, स्लो बॉल रखोगे, उतनी बॉल ज़्यादा कटेगी, तो इसलिए ध्यान रखना। बाकी वीडियो को शेयर कर देना अगर मन करे तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखना और क्रिकेट ज़रूर खेलना। बाय।